Hello dear students, mera naam hai Akshat Vakharia and last time we have started a topic shares and mutual fund. So aaj hum log usi topic ko thoda continue karenge because last part mein humne just shares part complete kiya tha, mutual fund topic baki tha. Okay, so now we'll begin the mutual fund concept. So now mutual fund kya hota hai pehle hum samjhenge dhyan se. I hope aapne shares wala concept acche se padha hai, samajh ke aap देन आप मूव ऑन हुए म्यूचुअल फंड टॉपिक में. आप अगर नहीं किया तो पहले उस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करिए. जो भी सम्स हमने यहाँ पर लिए हैं वो एकदम बेस लेवल से हायर लेवल तक गए हम लोग सारे सम्स में. सो आप वही सारे सम्स जो हमने किए वो करने के बाद देर आर मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स मिल रही है आपको. शायद कॉलेज में से भी किसी ने लाइक ना बोला रहेगा कि सो एंड सो ये ऑथर का बुक लेना चाहिए, पब्लिशर की बुक लेना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए. तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रेफर करके आप उन्होंने जो भी सजेस्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप बुक परचेज करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया जस्ट वो पॉइंट के लिए, बट उसके बाद अगर आपको प्रॉपरली उसको रिमेंबर रखना है, प्रॉपरली आपको याद रखना है, समझना है अच्छी तरह से, तो आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नाउ म्यूचुअल फंड मतलब क्या, म्यूचुअल फंड क्या करता है काम, म्यूचुअल फंड में कैसे काम होता है. लोग आपने सुना भी होगा बहुत बार, आपको ऐड भी आता है टीवी पे म्यूचुअल फंड सही है करके. तो बेसिकली वहाँ पे काम कैसे होता है वो हम समझेंगे अभी. थोड़ा सा एक मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा देन हम लोग सारे सम्स के ऊपर मूव ऑन हो जाएंगे जो अपना बेसिकली कंसेप्चुअल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सी क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिसको शेयर्स में नॉलेज नहीं है. मतलब जितने भी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी कुछ लोग ऐसे भी जिसको प्रॉपर अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होता है. जस्ट वो लोग किसी के कोई अपने को टिप देता है लाइक सो एंड सो एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसका ये शेयर्स खरीद ले एंड उसका प्राइस सो एंड सो हो जाएगा देन सेल कर देना. सो हम टिप के बेस पे या न्यूज़ चैनल के बेस पे हम उसके बेस पे रिएक्ट करते हैं एंड उसके बेस पे हम इन्वेस्ट करते हैं. तो बहुत बार ऐसा चांसेस है कि अपना अपना जो भी हमने इन्वेस्ट किया वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है. सो अपना जो भी हार्ड एंड मनी हम लोगों ने अर्न किया है फ्रॉम सैलरी या फ्रॉम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि नहीं मेरे दोस्त ने बोला, एक बहुत ही अच्छा दोस्त है उसने बोला कि एबीसी लिमिटेड कंपनी आज ऊपर जाएगा, आज 10% ऊपर जाने वाला है तो ये कंपनी का हम शेयर ले लेना चाहिए, या फिर इतने पीरियड में इतना परसेंट ऊपर जाने वाला है ये कंपनी का शेयर ले लेना चाहिए. सो हम वो ले लेते हैं देन हमको बेसिकली हमको कोई भी फंडामेंटल या टेक्निकल नॉलेज नहीं होता एंड देन वी विल इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी में एंड देन हमको लॉस सफर करना पड़ता है आफ्टर सम पीरियड. सो क्या होता है ना कि ये पॉइंट अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में देन यू मस्ट गो फॉर द फर्स्ट. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक सबसे बेस्ट होता है लाइक पोस्ट में आप एफडी करवाते हो या बैंक में एफडी करवाते हो उससे भी अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए और बहुत ही मिनिमम रिस्क पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो देन यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स. नाउ अगर आपको शेयर्स में नॉलेज नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड पता नहीं है, मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको कोई कंपनी का फंडामेंटल्स पता नहीं है, आपको कंपनी का बैलेंस शीट अच्छे से रीड करना आता नहीं है, फंडामेंटल्स पता नहीं है, रेशियोज क्या होता है आपको पता नहीं है. सो अगर आपको शेयर्स मार्केट में अगर आप लॉस हो रहा है आपको पता नहीं उसके अंदर प्रॉपरली नॉलेज नहीं है. अगर आप अभी स्टूडेंट हो, मतलब आई मीन टू से मुझे पता है तो स्टूडेंट हो बेसिकली, बट अगर आप राइट नाउ अगर आप साइड में थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहे हो, एक साइड वर्क करके आप थोड़ा बहुत अर्निंग वॉट एवर आप अर्निंग कर रहे हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स में ही अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप शेयर्स में जाने से बदले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज म्यूचुअल फंड करती क्या है, म्यूचुअल फंड ऐसे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जिसको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में, प्रॉपरली हमको पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते करते कि लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करती है, सब लोगों जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल्स है तो अगर 100 लोग को अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में बट उसको नॉलेज नहीं है इसलिए वो क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो 1000 रुपया एंड इंटू 100%, सो कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया. सो 1 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड वो 100 लोग के बिहाफ में इन्वेस्ट करती है. अब वो 1 लाख रुपीज डिपेंड्स करते हैं आपने कौन से टाइप का फंड लिया है, वो बैलेंस्ड फंड है या प्योर शेयर मार्केट रिलेटेड फंड है. मतलब लाइक बैलेंस फंड हुआ मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ अमाउंट कुछ पोर्शन यूज होता है, इन्वेस्ट करते हैं लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में, कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में. तो अगर आप किस टाइप का फंड सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ठीक है. एंड उनको तो प्रॉपर नॉलेज होता है, इनके पास एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं कि अगर उनको मालूम होता है कि लाइक अभी इसका जो टेक्निकली सो एंड सो कंपनी है वो बहुत वीक है
तो मुझे इसका शेयर बेच देना चाहिए, ये एक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गया है तो उसका शेयर खरीद लेना चाहिए, तो उनको सब कुछ पता होता है, उनको उसके अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते बाय एंड सेलिंग करते रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन लाइक क्या मार्केट का फ्लो कैसे चल रहा है, मार्केट के फ्लो के अकॉर्डिंगली एज वेल एज कौन सी कंपनी का टेक्निकली अच्छा है, कौन सी कंपनी टेक्निकली वीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, यू मस्ट गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स रेदर देन शेयर मार्केट, बिकॉज आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का। अगर आपको कंपनी का नॉलेज हो जाता है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन गो फॉर द शेयर मार्केट, आप शेयर्स भी बाय कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट यू गो फॉर द म्यूचुअल फंड एज ऑफ नाउ। सो म्यूचुअल फंड क्या करती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको अच्छा नॉलेज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज 100 पीपल्स है और एक जन को 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे कितने लोग हो गए 1 लाख रुप, ऐसे कितने अमाउंट मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज 1 लाख रुपीज। अब वो 1 लाख रुपीज वो 100 पीपल के बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा, देन आफ्टर सम पीरियड अगर समझो आपको विड्रॉ करते हो, लाइक डिपेंड्स करते हैं आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का सिर्फ सेंस यही है कि लोगों का पैसा कलेक्ट करके उनके बिहाफ पे शेयर्स या म्यूचुअल आई मीन टू से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देन एट सर्टन पीरियड के बाद आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म देखोगे आपको अच्छा बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है उसके अंदर। सो नाउ सो एक आपको मैंने अभी बताया कि लोगों का पैसा लेकर के वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग सर, यहाँ पे शेयर्स में तो प्राइसिंग होता है, लाइक मार्केट वैल्यू मिल जाती है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा सर? तो म्यूचुअल फंड में होता है NAV, NAV मतलब नेट असेट वैल्यू। वो क्या होता है? वो एक रुपी वैल्यू होता है एक यूनिट का। क्या होता है? रुपी वैल्यू ऑफ अ यूनिट। मतलब से फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोवेंसो कंपनी के थ्रू एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो समझो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 5000 रुपीज, तो क्या करेगा 5000 रुपीज का, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करेगा एंड इन्वेस्ट शेयर्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स या जितने भी नंबर ऑफ लाइक जितने भी अमाउंट को उसने बॉन्ड्स खरीदा है, जितने भी अमाउंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा है, उसके अकॉर्डिंगली कितना पैसा आया है, उसके अकॉर्डिंगली वो एक फाइंड आउट करते कि लाइक एग्जैक्टली कितना वैल्यू हो रहा है, कितना रुपी वैल्यू हो रहा है एक यूनिट का। अब वो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट भी नंबर ऑफ शेयर, समझो एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि समझो उसने HDFC बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्री का, ITC का, वो सारे कंपनीज का उसने शेयर्स खरीदे हैं, तो कितने शेयर्स आए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, समझ में आ रहा है? कितने शेयर्स है और कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट डिसाइड होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका प्राइसिंग डिसाइड होगा। दैट इज एक यूनिट का इतना NAV है। जैसे शेयर्स में कैसा होता है कि एक शेयर्स का इतना मार्केट वैल्यू, इतना मार्केट प्राइस है, तो यहां पे क्या होता है कि एक यूनिट का कितना NAV है, मतलब नेट असेट वैल्यू। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि सारे शेयर्स जितने भी खरीदे एंड जितने भी यूनिट्स परचेज हुए, कितने यूनिट्स परचेज हुए सर, HDFC बैंक इतना यूनिट परचेज हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री इतना यूनिट परचेज किया, ITC का इतना यूनिट परचेज किया, L&T का सोवेंसो यूनिट परचेज किया, सोवेंसो प्राइसिंग पे, तो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आए, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स एज वेल एज एक यूनिट का प्राइसिंग डिसाइड होता है एंड कितने कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ कितने लोगों का, उसके अकॉर्डिंगली। नाउ यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज नेट असेट वैल्यू का, कि अगर NAV निकालना है, दैट इज नेट असेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नेट असेट मतलब क्या सर? तो बेसिकली असेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमने शेयर्स परचेस किए तो सर वो जितना भी अमाउंट का परचेस किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके, वैसे नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स का लाइक NAV डिसाइड होता है एग्जैक्टली उसके जैसा ही, बट उसके अंदर और एक चीज है कि वो अपने लिए फ्री में तो काम नहीं करेगा, कुछ और भी उनका लाइक से फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ एक्सपेंस तो पे करने पड़ते ना, तो जो भी हम एक्सपेंसिस उनको लगता है, जो भी एक्सपेंसिस पे होता है, वो एक्सपेंसिस मतलब वो एक्सपेंसिस पेएबल है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सी बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, मैं अगर शॉर्ट में भी करना चाहूँ ना तो बहुत डिफिकल्ट है आपको समझाना। हाँ मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छे से समझा सकता हूँ, मतलब समझा पाऊंगा जब हम सम्स करेंगे, बट अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो थोड़ा सा और आपको एकदम अपना लाइक आपको और थोड़ा इन डेप्थ सोचना भी पड़ेगा एंड एज वेल एज आपको एकदम थोरली टेक्स्ट बुक जो भी आप प्रेफर करते हो करोगे उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आपको और इन डेप्थ समझ में आएगा ना। तो बेसिकली मैं आपको पहले फॉर्मूला पे लिख करके बताता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। सो नाउ बेसिकली मैं आपको ये लिख करके बताता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला सारे,
वन सेकेंड, या सो बेसिकली यहाँ पे क्या दी, अब करेंगे हम लोग यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल मैं एन ए वी फाइंड करना है, तो एन ए वी, एन ये मेरा मार्कर चल नहीं ना, सो नेट, वन सेकेंड हो जाएगा, यस नेट एन ए वी मतलब क्या, बेसिकली इट्स अ रूपी वैल्यू ऑफ, रूपी वैल्यू ऑफ, सो क्या हो गया पता नहीं, वन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर, ऑफ अ पर्टिकुलर एमएफ स्कीम, ठीक है। सो एनएवी सर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, एनएवी करते कैलकुलेट नेट असेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ नेट असेट मतलब क्या, नेट असेट का मतलब होता है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, सो टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी करने पे क्या मिलेगा, नेट असेट मिल जाएगा, दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो क्या मिलेगा, एनएवी ऑफ वन यूनिट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको समझाना है, दैट इज, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं, ये नहीं हो रहा है काम, वन सेकेंड, ओके। सो ये मेरा फर्स्ट लिख दिया मैंने फॉर्मूला यहां पे, देन सेकेंड वन इज, नेक्स्ट कंसेप्ट आपको आता है, दैट इज एनएवी चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट टर्म। अब ये बेसिकली होता क्या है, से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और आज का एनएवी है, मतलब सिंपल लॉजिक में बताता हूँ, एनएवी मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत स्टूडेंट ना शेयर्स में थोड़ा सा लाइक कर लेते हैं, बट म्यूचुअल फंड में डिफिकल्टी आती है, बट बिलीव मी म्यूचुअल फंड बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप एकदम ध्यान से समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एनएवी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक ऐसा टाइप का मैं आपको समझा सकता हूँ कि एनएवी मतलब बेसिकली एक यूनिट का ही प्राइस होता है, जब मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ तो जितने मैंने यूनिट्स खरीदे उसके अकॉर्डिंगली मुझे पे करना पड़ेगा, तो मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है दैट इज एनएवी। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, जो भी मुझे प्राइसिंग आएगा लाइक उतने अमाउंट में बहुत सारे शेयर्स बहुत सारी कंपनीज के बाय हो गए रहेंगे, वैसे मेरे से बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जो एनएवी आएगा, ठीक है, मतलब बेसिकली मार्केट वैल्यू, आप ऐसा समझ लो कुछ सर्टन पॉइंट ले समझ लो कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर मतलब बेसिकली एनएवी ऑफ अ एमएफ यूनिट, म्यूचुअल फंड का यूनिट। सो अगर मैंने आज खरीदा, आज का रेट है सेवर एग्जांपल 34 रुपीस, और अगर मैं दो महीने के बाद देख रहा हूं उसका रेट हो गया सेवर एग्जांपल 37, तो बेसिकली चेंज कितना हुआ, तो बेसिकली चेंज हो गया ओनली 3 रुपीस का, कितना चेंज हुआ 3 रुपीस का। तो आप कैसे करोगे यहां पे, तो एनएवी चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म मतलब क्या, एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगनिंग, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको मैं समझा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है दैट इज परसेंटेज चेंज इन एनएवी, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा सर अगर वो मैं एग्जांपल लूँ जैसे मैंने आपको समझाया दैट इज 34 रुपीज में बाइक क्या 37 अभी हो गया, बेचा नहीं है मैंने, जस्ट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा 37 माइनस 34 मतलब 3 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट तो तब होगा जब मैं उसको सेल कर दूंगा, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है 3 रुपीज का। तो बेसिकली यहाँ पे एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगनिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी जो कि पॉजिटिव में है, तो परसेंटेज चेंज इन एनएवी कितना हो जाएगा सर, तो बोलूंगा सर 3 रुपीज है डिवाइड बाय जब इन्वेस्ट किया था वो टाइम पे कितना था दैट इज 34, तो 3/34 × 100। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना, तो यहां पे क्या आएगा एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी डिवाइडेड बाय एनएवी एट बिगनिंग इन 200।
समझा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अगर से फॉर एग्जांपल 34 का 37 हो गया, 3 रुपीज चेंज हुआ, उसके बेस में मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, तो ये बेसिकली जो चेंज हो रहा है वो 2 महीने का एक चेंज है. तो थ्रू सॉरी 2 मंथ्स के बाद जो आया 3 रुपीज, अगर मैं परसेंटेज चेंज निकाल देता हूँ तो मैं ऐसा बोलूंगा दैट इज 3 / 34 × 100 कितना आ रहा है वैल्यू, दैट इज 8.82%. ये हुआ 2 महीने के हिसाब से. अगर 2 महीने का मतलब 8.82% रिटर्न मिल जाता है, मैंने बेसिकली बेचा नहीं है, बेचूंगा तो मैं बोलूंगा इतना प्रॉफिट हो गया मेरे को, बट अगर बेचता हूं, अगर बेचता हूं तो कितना हुआ 8.82%. तो अगर 2 महीने का 8.82% होता है तो एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना हो सकता है, क्या बोला मैंने, एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना हो सकता है वो अभी हमको फाइंड करना है. सो बेसिकली एनुअलाइज्ड रिटर्न कैसे फाइंड करेंगे यहां पे, सिंपल है. सो एनुअलाइज्ड चेंज इन एन ए वी इक्वल्स टू वॉट इज इक्वल्स टू सर परसेंटेज चेंज इन टू 12 / नंबर ऑफ मंथ. समझ में आया क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन टू 12 / नंबर ऑफ मंथ, भाई कितने महीने में हुआ, से मैं ऐसा बोलूंगा 8.82% है तो इंटू 12 / कितना महीने में हुआ सर, 2 मंथ्स में इतना चेंज हुआ. तो एनुअलाइज चेंज कितना होता है, उससे मुझे एनुअलाइज चेंज मिल जाएगा. बोलो कोई डाउट्स. नेक्स्ट, नाउ एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, अगर कंसेप्ट आता है एक सेकंड, आपको एक और पॉइंट आपको समझाने लायक है, दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टेड या टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा सर, तो मैं बोलूंगा सर जो भी प्राइस में मैंने परचेस किया दैट इज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट. तो ये एनएवी कौन सा सर, ये एनएवी होगा परचेस करने के टाइम वाला. ओके तो अगर मैं टोटल रिसीट फाइंड करना है, तो टोटल रिसीट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट रिसीट फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सो टोटल अमाउंट रिसीट या टोटल रिसीट इज इक्वल्स टू व्हाट, एनएवी सेल करने के टाइम वाला. ये ध्यान रखना, अमाउंट रिसीव मतलब ये सेल करने का टाइम वाला आएगा, और ये आएगा दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड जो आएगा, ये एक सेकंड में हाईलाइट भी करते, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आएगा सेल्स करने के टाइम वाला, सेल्स एनएवी, और ये हो जाएगा परचेज एनएवी. क्या बोला मैंने, परचेज एनएवी, अरे आई मीन परचेज एनएवी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वन सेकेंड. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, सर अभी यहां पर अगर मुझे फाइंड करने के रिटर्न कितना मिला, प्रॉफिट कितना हुआ, रिटर्न कितना मिला, तो सिंपल लॉजिक है सर, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड. ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा, दैट इज प्रॉफिट मिल जाएगा. अच्छा और एक बात, अगर डिविडेंड कंसेप्ट है, अगर डिविडेंड कंसेप्ट है तो प्लस डिविडेंड करना मत भूलना बच्चा लोग. ये क्या गड़बड़ हो रहा है, वन सेकेंड. अरे काय झाला, यस प्लस डिविडेंड रिसीव्ड. नेक्स्ट दैट इज 7 पॉइंट, अगर मुझे फाइंड करना है परसेंटेज रिटर्न, क्या फाइंड करना है मुझे, परसेंटेज रिटर्न, तो मैं क्या फाइंड करूंगा सर, रिटर्न मतलब प्रॉफिट अपॉन क्या आएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100. डन. नेक्स्ट पार्ट जो आता है अपना, दैट इज एंट्री लोड. सर ये एंट्री लोड क्या होता है, मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, पहले आप सिर्फ ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं. एंट्री लोड कंसेप्ट आएगा एंड एग्जिट लोड आएगा. एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड. नाउ
ना कैसा होता है, जब हम शेयर्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। बस उसी तरह जब भी मैं म्यूचुअल फंड का कोई भी यूनिट, मतलब म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो यूनिट्स बाय करने के टाइम मुझे एक सर्टन ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो ब्रोकरेज को यहाँ पर बोला जाता है लोडिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे? लोडिंग चार्जेस। एंट्री लोड मतलब क्या? एंट्री करने के टाइम लोड मतलब बेसिकली सर यहाँ पे एंट्री मतलब अरे मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट करने के टाइम जो भी मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं एंट्री लोड। और जब मैं उसको सेल करके बाहर निकलना चाहूंगा, मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने किया था अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है मुझे, मुझे सेल करना है सर, मैंने सेल कर दिया, तो उस टाइम में मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ ब्रोकरेज, उसको बोलते हैं एग्जिट लोड, बिकॉज मैं अभी उस इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट ले रहा हूं, मतलब एग्जिट लोड लगेगा। दोनों का वे ऑफ फाइंडिंग सेम है, बट डिफरेंट इतना है कि एंट्री लोड में जब आप परचेस करते हो उस टाइम का एनएवी लेते हैं, और एग्जिट लोड में जब आप सेल्स करते हो उस टाइम का एनएवी लेंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली मैं ऐसा बोल दूं यहां पर इसमें मैं ऐसा बोल दूंगा, परचेज एनएवी इनटू रेट ऑफ एंट्री लोड। और एग्जिट लोड में मैं ऐसा बोलूंगा सेल्स एनएवी इनटू रेट ऑफ एग्जिट लोड। सो मैं आपको प्रेफरेबली लिखा है यहां पे सेल्स एनएवी परचेज एनएवी, सो आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए। चलो नेक्स्ट पार्ट आपको आता है, सर अगर हम लोग यहाँ पे लोडिंग चार्जेस या मतलब ब्रोकरेज पे करना है, सी मैं आपको ना एक आपको जस्ट एक समराइज फॉर्म में फिलहाल आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जब हम लोग सम्स करेंगे तो मैं वापस से आपको फॉर्मूला समझाते जाऊँगा, डोंट वरी फॉर दैट। बट फर्स्ट मुझे एक पूरा कंसेप्ट आपको समझाना बहुत जरूरी है। एक बार आपको एक पूरा कंसेप्ट समझा दिया मैंने, आप उसको थरली समझ गए, देन सम्स में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इनफैक्ट आप तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी जब मैं आपको सम कराने जाऊंगा तब आप उस सम का सिर्फ क्वेश्चन देखोगे एंड देन उसको पॉज करके फटाफट आप खुद सॉल्व करने लग जाओगे, बिकॉज आपको एक कंसेप्ट पूरा समझ गया है, फॉर्मूला समझ जाएगा तब तक। नाउ अब मैंने आपको ये एंट्री एंड एग्जिट लोड के अंदर मेरा परचेस प्राइस क्या हो जाएगा वो आपको समझा रहा हूं, डेट इज परचेस प्राइस पर यूनिट। सर परचेस प्राइस मतलब तो डेफिनेटली परचेस देने भी होना चाहिए, अरे हाँ परचेस देने भी होना चाहिए, बट अगर मैंने लोडिंग चार्जेस पे किया है तो उसको मैं बोलूंगा परचेस प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू मैं ऐसा बोलूंगा परचेस एन एवी प्लस एंट्री लोड। आपको याद हो तो कल मैंने आपको समझाया था शेयर्स के टाइम पे, शेयर्स में कि अगर मैं ब्रोकरेज पे करता हूँ तो परचेस के टाइम वो मेरे वैल्यू जो भी मैंने शेयर्स परचेस किया उसके अंदर ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। एग्जांपल लिया था मैंने घर का एग्जांपल, 50 लाख का घर मैंने खरीदा, मैंने ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा, तो 50 लाख तो पे कर दिया घर के लिए, बट वो घर परचेस करने के लिए मुझे एक एजेंट ने हेल्प किया तो उस एजेंट को मुझे एक ब्रोकरेज अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसको मैंने पे कर दिया से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस। तो मुझे वो पर्टिकुलर हाउस पर्टिकुलर वो फ्लैट मुझे कितने का पड़ेगा, वो फ्लैट मुझे पड़ा से फॉर एग्जांपल 50+1 मतलब मुझे कितना पड़ा 51 लाख रुपीस का, मतलब ब्रोकरेज ऐड किया। लेकिन अगर मैं सेल करने जाता हूं, अजम्पशन कि मेरा खुद का घर है 50 लाख का, अगर वो मैं सेल करने जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि 50 लाख का घर था मैंने सेल कर दिया 50 लाख मिल गया, बट वो वो जो जिस पर्सन से मैंने जिस पर्सन को मैंने सेल किया है वो पर्सन को लाने के लिए सेल करने के लिए मुझे एक एजेंट ने हेल्प किया, वो एजेंट के थ्रू सेल हुआ है, तो उस एजेंट को मुझे एक अमाउंट देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे ब्रोकरेज अमाउंट। तो वो अमाउंट मैंने जो पे कर इट इज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज, तो वो 1 लाख मैं पे कर दूंगा, मुझे 50 लाख मिला, 1 लाख मैंने पे किया, तो नेट अमाउंट कितना रिसीव किया मैंने, डेट इज 49 लाख रुपीज। मतलब सेल्स करने के टाइम हमको नेट रिसीव चेक करना है और परचेस करने के टाइम नेट पेड देखना है। समझा? मतलब परचेस करने के टाइम ब्रोकरेज एंट्री लोड ऐड होता है, सेल्स करने के टाइम ब्रोकरेज एग्जिट लोड माइनस हो जाएगा, तो देन नेट अमाउंट कितना हुआ। तो मैं ऐसा बोलूंगा सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना होएगा, सेल्स प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, एकदम ध्यान से समझना कंसेप्ट को बच्चा लोग, सेल्स एनएवी माइनस एग्जिट लोड। ये समझी कि नहीं समझी? चलो एक का जाला जादू हो गया, तो 1 सेकेंड। हाँ चलो नेक्स्ट। सो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया,
ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, वापस पूरा समझा देता हूँ मैं। तो फर्स्ट मैंने वो क्या बताया, एनएवी रुपी यूनिट, रुपी वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम, एमएफ स्कीम। मतलब क्या सर, ये हम लोग जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया एमएफ में, ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उन सब ने अमाउंट उन सबका अमाउंट कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड जो उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया हमारे बिहाफ पे, एंड जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स मिले, नंबर ऑफ शेयर्स मिले होंगे, वो नंबर ऑफ शेयर्स या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपना क्या निकालेंगे भाई, कितने यूनिट्स परचेस किए, कितने शेयर्स परचेस किए, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसने सो एंड सो अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उसको इतने यूनिट मिलने चाहिए, मतलब इतना यूनिट मैंने परचेस किया, ठीक है। एंड उसके बेस पे उसका लाइक प्राइसिंग भी डिसाइड होता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, अगर मैं सिर्फ सम पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो मैं से बोलूंगा एनएवी निकलता है सर नेट असेट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नेट असेट मतलब क्या, टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। सी बहुत बार कभी कभी ना आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई असेट आपको दे देंगे, लाइक आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस किया, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस किया, आपने से फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से शेयर्स परचेस किए एबीसी लिमिटेड के, तो वो सर अपने जो भी ये सब कंसेप्ट क्या, ये सब आपने परचेस किया मतलब ही क्या हो, ये आपका असेट्स हो गए, इतना अमाउंट पे करना पड़ा, इतना लायबल अमाउंट है, ये अपना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ, तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट असेट मिलेगा, दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करने का तो आपको मिलेगा एनएवी ऑफ वन यूनिट। सो एनएवी चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म चेक करना है कि भाई मैंने परचेस कर लिया अभी कितना एनएवी है, तो जस्ट मुझे चेंज देखना है एनएवी के अंदर कि पहले कितना एनएवी था और अभी कितना एनएवी है, ठीक है। बेसिकली वो मार्केट वैल्यू ही हो गया, ऐसा आप अज्यूम करोगे अभी के लिए। सो एनएवी एट द एंड एंड एनएवी एट द बिगनिंग, उस जो भी चेंज हुआ उसका परसेंटेज चेंज करना है, चेक करना है, या एनुअलाइज चेंज चेक करना है, तो हमको ये वाला पॉइंट नंबर थर्ड एंड पॉइंट नंबर फोर्थ के फॉर्मूला के बेस पे चेक करने का कि भाई से फॉर एग्जांपल मैंने पहले खरीदा था उस टाइम पे रेट था से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज, अभी हो गया 25 रुपीज फोर मंथ्स में कितना हो गया, 20 से 25 हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो जाएगा, दैट इज 5 रुपीज, बट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, तो 5 रुपीज डिवाइडेड बाय 20 × 100, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी परसेंटेज चेंज आएगा, अगर मुझे 4 महीने में इतना परसेंटेज मिला तो इट इज एज गुड एज पूरे साल का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यहां पे परसेंटेज चेंज इनटू 12 डिवाइड बाय कितने महीने में चेंज हुआ सर, ये मैं हुआ सर अपना 4 मंथ्स में, तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, ओके। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, टोटल इन्वेस्टेड कितना, तो मैं बोलूंगा सेल्स एनएवी इनटू, अल्लाह मैंने मिस्टेक किया यहां पे, सॉरी बच्चा लोग, यहां पर आएगा परचेस एनएवी और यहां पर आएगा, और ये हो जाएगा अपना सेल्स एनएवी, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एंड टोटल अमाउंट रिसीव करके आपको मिल जाएगा। नाउ रिटर्न आपको इजी है, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो जितना आपने रिसीव किया, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका डिफरेंस प्लस डिविडेंड रिसीव्ड, इफ दिया है क्वेश्चन में, तो अगर डिविडेंड मिला है तो परसेंटेज रिटर्न कितना आएगा, तो जो भी प्रॉफिट आपको मिला, जो भी आपको रिटर्न मिला, दैट डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। सी ये जो भी कंसेप्ट हमने किया उन सारे कंसेप्ट में अभी तक कुछ भी लोडिंग चार्जेस नहीं था, कुछ भी ब्रोकरेज पे करना नहीं था, अभी जो कंसेप्ट आएगा उसके अंदर ब्रोकरेज वाला कंसेप्ट मैंने लिया, दैट इज एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। जब परचेस करूंगा उस टाइम का जो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, एग्जिट करूंगा सेल करने के टाइम उस टाइम का जो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, दैट इज एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। चलो आगे, सो एंट्री लोड में क्या होएगा, सो परचेस एनएवी, जब मैं परचेस करूंगा उस टाइम का जो भी रेट होगा, दैट इनटू रेट ऑफ एंट्री लोड। सेल्स करूंगा, निकल रहा हूं मैं सर, एग्जिट कर रहा हूं मैं, जा रहा हूं यहां से, मुझे अभी ये फंड में नहीं रहना है, अभी पैसा निकाल के मुनाफा मिल गया, वो मुनाफा कलेक्ट करके मेरे को जाने का, ऐसा टाटा वे करने का है, तो सेल्स एनएवी इनटू रेट ऑफ एग्जिट लोड। नाउ परचेस प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा सर, तो मैं बोलूंगा सर परचेस प्राइस पर यूनिट हो जाएगा जो भी आपने परचेस करने के टाइम जो मार्केट वैल्यू पे किया वो, प्लस एंट्री लोड करना पड़ेगा आपको, प्लस क्या करना पड़ेगा, एंट्री लोड, प्लस एंट्री लोड करोगे आप, ऐड करोगे ब्रोकरेज, तब जाके आपको परचेस नेट परचेस प्राइस पर यूनिट मिलेगा। बस उसी तरह आपको अगर मैं सेल्स की बात करूं तो क्या आएगा यहां पे, सेल्स प्राइस पर यूनिट में क्या आएगा, तो बेसिकली जितने रुपए पे मैंने बेचा एंड जो भी मैंने एग्जिट लोड पे किया, दोनों का डिफरेंस करने पे जो आएगा, दैट इज नेट अमाउंट मैंने नेट अमाउंट पे, नेट प्राइस पे मैंने बेचा है। बस उसी तरह मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, वन सेकेंड, दैट इज
सॉरी परचेज प्राइस मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं पीपी प्राइस ऑफ ऑल यूनिट और वी कैन सी दैट टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू व्हाट तो मैं बोलूंगा परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. आपको याद हो तो मैंने अभी जैसे बताया था टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टेड कंसेप्ट आपको सिखाया था, तो उसके अंदर मैंने क्या लिया था समझाई दे दिखाई देता हूँ मैं आपको, कुछ याद तो रहेगा नहीं वैसे भी. दैट इज परचेस एन ए वी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. बट यहाँ पे सर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने लिखा है परचेस प्राइस पर यूनिट. क्यों ऐसा सर? बिकॉज सर यहाँ पे ब्रोकरेज हमने पे किया है, ब्रोकरेज पे किया है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. चलो नेक्स्ट सेल्स प्राइस ऑफ ऑल यूनिट टोटल अमाउंट रिसीव्ड. क्या आएगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट. समझाइए कंसेप्ट, कोई डिफिकल्टीज यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है वापस से रिपीट करो, वापस समझो. अगर आपको बेसिक क्लियर, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप बिल्डिंग बनेगी. अगर बेस स्ट्रांग नहीं तो बिल्डिंग बनने वाली नहीं. बेस स्ट्रांग नहीं तो आपको समझ आने वाला नहीं है. बेस स्ट्रांग होगा तो ही आपको समझेगा. समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो नाउ हम लोग अभी समझ पे आ जाएंगे फटाफट. नाउ सी समझ पे देखो क्या दिया यहाँ पर. फर्स्ट क्या दिया? कबीर इन्वेस्टेड रुपीस, वन सेकेंड. यस कबीर इन्वेस्टेड रुपीस कितना? 50,000 इन एम एफ ऑन 5th मार्च 2011 विद एन ए वी ऑफ रुपीज 560. He redeemed units on 18th October 2011 with NAV was kitna? Rupees 650. There was no entry or exit load. Matlab koi bhi loading charges nahi hai, brokerage pay kiya nahi hai yahan pe. Aisa usne concept yahan pe diya hua hai. Find the number of units purchased, total gain and rate of return. बहुत सिंपल, एकदम ध्यान से समझना. तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया है उसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, कबीर इन्वेस्टेड मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा. ओके देन ये क्या आपका, ये आपका हो जाएगा परचेस एन ए वी एंड रिडीम मतलब क्या, सेल. तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये जो एन ए वी दिया है वो क्या हो जाएगा अपना सेल्स एन ए वी. देन अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल लॉजिक है सर. सेल्स एनएवी दिया बट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है. जब सेल्स एनएवी है तो नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा तो टोटल अमाउंट रिसीव मिल जाएगा. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, पहले नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना पड़ेगा. ओके तो और गिवन कंसेप्ट क्या है, तो परचेज एनएवी दिया है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड दिया है बट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है. सिंपल लॉजिक है सर. अगर परचेज एनएवी है और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स भी है, क्या बोला मैंने, परचेज एनएवी है और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स भी है, तो दोनों को मल्टीपल करने पे मुझे क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मिल जाएगा. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मिलेगा. समझ में आ रहा है? अरे परचेज किया 560 पे इनटू सो एंड सो यूनिट्स, सो एंड सो नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीपल करूंगा तो क्या मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड मिल जाएगा. बट अमाउंट इन्वेस्टेड है, परचेज एनएवी है, डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को मिल जाएगा. So, number of units अगर एक बार मिल गया तो मैं total amount received भी find कर सकता हूं. Total amount invested है, total amount received है, तो दोनों का difference करने पे profit मिलेगा ना. Profit मिल गया तो rate of return भी मिल जाएगा. तो I hope आपको steps पूरा clear हो गया. नहीं हुआ तो वापस एक बार rewind करो and वापस देखो उसको क्या बोला मैंने यहां पर. So now, question number 11th. ये बार बार इसको टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, रुपीस कितना, 50,000. देन और क्या दिया अपने को, परचेज ने भी दे दिया यहां पर, कितना दिया है, 560.
₹560. नाउ इन दोनों के बेस पे मुझे क्या मिल जाएगा कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू परचेज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो. जब ये दोनों रहेगा मतलब बेसिकली मेरे पास अगर मैं बोलूं सॉरी परचेज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट, अगर मेरे पास परचेज एनएवी है और इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स भी है दोनों को मल्टीपल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मिल जाएगा. सिंस मेरे पास परचेज एनएवी है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड भी है दैट इज 50,000 है ये, और ये कितना है, ये कितना है, ये सर है 560 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो. तो सर नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे फाइंड करना है. सो कैसे करेंगे सर, सो ये डिवाइड कर दो यहां पर. सो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा. सी नंबर ऑफ यूनिट्स आपका डेसिमल में आ सकता है. ओके सो बेसिकली यहां पे कितना बनेगा, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 560, कितना आ गया यहां पे, यस 89.2857. तो डेसिमल के बाद आप यहां पे 2857 तक लोगे, आगे भी वैल्यू बनता है बट मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि डेसिमल के बाद आप, डेसिमल के बाद चार वैल्यू तक आप यहां पर लो. नेक्स्ट सिवरे ने भी चार वैल्यू तक यहां पे लिया है. नेक्स्ट आपने वो क्या दिया यहां पे, सेल्स एनवी दे दिया. तो सेल्स एनवी कितना है, मैं सब बोलूंगा यहां पे सिंसी कहती है, सिंसी कौन है सर, सिंसी कहती है, नहीं पूछने का, सिंसी कहती है सेल्स एनवी इक्वल टू कितना है सर, कितना है सेल्स एनवी सर, कितना 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 दे दिया आपने सेल्स एनवी, यस 560. ठीक है सेल्स एनवी कितना है, सॉरी 650 है सर. क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, सिंसी का नाम सुनते आप रॉन्ग कर रहे हो, 560 फिर से 560 लिख रहे हो आप सर, शे 650 ओके डन. चलो आगे तो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पर टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, तो सेल्स एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट, कितना है सेल्स एनएवी 650 है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 89.2857. सो ये कितना होता है, कितना होता है समथिंग आ रहा है आपका कुछ 58035.71. समझा यहां तक, देन प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, रिटर्न कितना है, रिटर्न फाइंड करना है, रिटर्न यहां पर है सर, यहां पर है, यहां पर है टोटल गेन, यस टोटल गेन फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है. तो टोटल गेन कितना आएगा, टोटल गेन सर बेसिकली यहां पे तो हम डिविडेंड रिसीव नहीं कर रहे, जस्ट क्या है सेल्स एंड परचेज मतलब ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी डिफरेंस मिलेगा वही अपना क्या हो जाएगा, वही अपना हो जाएगा गेन. अगर डिविडेंड भी रिसीव किया होता तो मैं बोलता सेल्स माइनस परचेज प्लस डिविडेंड करना पड़ता. सो यहां पे मैं बोलूंगा दैट इज टोटल सेल्स या टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 58035.71 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, अमाउंट इन्वेस्टेड है सर 50,000, यस सो माइनस 50,000 सो डिफरेंस कितना है 8035.71, ये मेरा क्या है, ये है मेरा
टोटल गेन. सो रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो रेट ऑफ रिटर्न सर आएगा, मेरा आ जाएगा, क्या आएगा सर? रेट ऑफ रिटर्न आएगा सर गेन, या मैं कंसिडर टोटल गेन अपॉन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100. सो ये होगा 80 8035, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे आज, डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100. सो कितना आंसर आया चेक कर लेते हैं अभी. सो आंसर इज समथिंग अराउंड 16.07%. सबको समझाए क्वेश्चन, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. नहीं समझा वापस रिवाइंड करो, समझो उसको अच्छी तरह से, एकदम इन डेप्थ इन डिटेल में एक सम को एकदम अच्छी तरह से टाइम लेकर के मैंने समझाया है, एकदम ध्यान से समझना, अच्छी तरह से करना. नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिए है? आई होप आप अच्छे से रीड कर पा रहे हो ये चीज. क्या दिया यहाँ पे? लैला इन्वेस्टेड, वन सेकेंड, यस, लैला इन्वेस्टेड रुपीज 12 लाख इन एमएफ ऑन 20th मार्च 2011 विद एनएवी ऑफ 145.6. तो बेसिकली ये मेरा हो जाएगा परचेज एनएवी, और ये मेरा हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड. सो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को. चलो सो ना ये मेरा हो गया परचेज एनएवी. नाउ शी रिडीम ऑल द यूनिट्स ऑन 9th अक्टूबर 2011 एंड रिसीव्ड 2.25 रेट ऑफ रिटर्न. 2.255% आएगा रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये परसेंट वाला कंसेप्ट दे दिया अपने को. सो रेट ऑफ रिटर्न यहां पर दे दिया है. सो नाउ देयर वाज नो एंट्री और एग्जिट लोड, मतलब एंट्री एग्जिट लोड कुछ है ही नहीं यहां पर. आपको फाइंड करना है एनएवी ऑन द डेट ऑफ सेल्स ऑफ यूनिट. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो, वरना आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है. सर परचेज एनएवी दिया है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड दिया है, अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया, तो क्या हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं? यस. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू व्हाट? परचेज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. परचेज एनएवी डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा. चलो इतना पहले करते, बाद में फिर हम लोग बाद में समझेंगे आगे का पार्ट. क्वेश्चन नंबर 12. सो परचेज एनएवी दे दिया अपने को, कितना दिया है? आई थिंक यस 145.6 एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? इट इज 12 लाख रुपीज. ठीक है ना? सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू परचेज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. सो ये बेसिकली मेरे पास 12 लाख है, और ये मेरे पास है 145.6 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आया? सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 145.6 कितना आ गया? सो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे बन जाएंगे 824.17582. आपको याद हो तो मैंने अभी जस्ट बोला था कि डेसिमल के बाद, नंबर ऑफ यूनिट के केस में डेसिमल के बाद चार वैल्यू लो, मोस्ट प्रेफरेबल, मोस्ट एडवाइजेबल. चलो उसके बाद उसने रिडीम कर दिए सारे यूनिट्स कभी 9th अक्टूबर 2011. क्या हुआ उसके अंदर? आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दिया? दैट इज एंड रिसीव्ड 2.55% रेट ऑफ रिटर्न, मतलब उतना उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल गया. तो सर ये कैसे करेंगे? कैसे करें? देखो बता दो मैं. सिंसी कहती है, सिंसी मतलब गिवन है यहाँ पर, सिंसी कहती है कि रेट ऑफ रिटर्न है
कितना 2.55%। सो बेसिकली मैं रेट ऑफ रिटर्न का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बनता है, वन सेकेंड, सो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज लाइक रिटर्न दैट इज गेन, गेन ही वर्ड यूज करता हूं तो आपको समझेगा अच्छी तरह से, गेन अपॉन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 200। ठीक है, सो ये अपना कितना है, ये अपना है 2.55 इक्वल टू गेन, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 12 लाख इन 200। सो ये कैंसिल हो गया, अब ये यहां पर आ जाएगा तो गेन कितना आएगा, सो गेन आ रहा है सर टिन टिन टिन, कितना आया कितना आया, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, वापस से चेक करना पड़ेगा, इन टू 12,000 करना, मल्टीपल करना है, कितना है 30,600। सो बेसिकली गेन का फॉर्मूला क्या, अभी चलो मैं गेन की बात करूँ तो गेन का फॉर्मूला क्या है, सो गेन इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। सो ये कितना है 30,600 इक्वल टू अमाउंट रिसीव, कितना है सर नहीं है मेरे पास, ओके तो एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा यहां पे डायरेक्ट करो, थोड़ा डायरेक्ट करो, दैट इज सेल्स एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसा कर सकते हैं, अरे बोलो हाँ कि ना, माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कितना सर, तो 12 लाख है, तो ये यहां पर आ जाएगा, सो इट बिकम्स 12,30,600 इज इक्वल्स टू सेल्स एनएवी मेरे पास नहीं है और नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास है कितना, दैट इज वन सेकेंड, कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास, 8241.7582। अब ये पार्ट यहां पे डिवाइड हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, सेल्स एन ए वी। आप चाहो तो टोटल अमाउंट रिसीट फाइंड कर लो, देन टोटल अमाउंट रिसीट का वापस से फॉर्मूला बना के लिख सकते हो ना, तो 12,30,600 डिवाइडेड बाय 8241.7582 कितना आ गया, दैट इज 149.3128। ये मेरा आ गया सेल्स एन ए वी। लेट अस चेक आंसर, कितना आया आंसर इसके अंदर, 149.24, अपना कितना आ रहा है 149.3182। ये शायद इसलिए आया रहेगा बिकॉज सी कुछ पैसों का डिफरेंस आ रहा है, एक लाइक सेवन पैसे का डिफरेंस आ रहा है, जस्ट बिकॉज शायद यहाँ पे उन्होंने सेल्स सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स 0.75 लिया होगा, या तो फिर 0.7582 लिया होगा, या फिर पूरा लिया होगा, सो वी डोंट नो कि एग्जैक्ट उन्होंने कितना लिया है। सो अपना कितना आ रहा है वैल्यू 149.3128, आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है, एक 5-7 पैसे का डिफरेंस चलता है, बिकॉज डेसिमल के बाद हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना ले, डेसिमल के बाद 4 ले, डेसिमल के 5 के बाद 5 वैल्यूज ले, या डेसिमल के बाद सारे वैल्यूज ले, सो उसके अकॉर्डिंगली आपके वैल्यूज बनते हैं। कुछ लोग यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 या 2 वैल्यू भी लेते, तो 1 या 2 वैल्यू मैं एडवाइस नहीं करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स के टाइम निकालने के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर आप डेसिमल के 1 या 2 वैल्यू लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर ज्यादा डिफरेंस में आएगा, ज्यादा डिफरेंस में अगर आंसर आता है तो आपको शायद से वो वैल्यू आपको, वो आंसर आपको इनकरेक्ट दिया जाए, इनकरेक्ट माना जाए, सो आपको डेसिमल के बाद 3 या 4 वैल्यू लेना है। मेरा एडवाइस है कि आप डेसिमल के बाद 4 वैल्यू लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया आपने को, नैतिक परचेस, 13 सम क्या दिया यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, नैतिक परचेज सम यूनिट्स ऑफ ओपन एंड इक्विटी एट कितना 25 एंड इट्स एनएवी आफ्टर 15 मंथ्स कितना है 35। सो मैं बोलूंगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया सर, ये मेरा है एनएवी कभी का सर, बिगनिंग का, और ये मेरा कभी का है, ये मेरा कभी का है, ये मेरा है एनएवी एट द एंड का। एनुअलाइज चेंज इन एनएवी एज अ परसेंटेज फाइंड करना है,
बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया है, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। एनएवी एट द बिगिनिंग कितना है? एनएवी एट द बिगिनिंग है सर 25, आई थिंक सो 25 है ना, यस। एंड एंड कितना है? 35। सो एनएवी एट द एंड दैट इज 35। तो मैं बोलूंगा सर एब्सोल्यूट चेंज कितना है? इन एन ए वी में कितना चेंज है सर? मैं बोलूंगा यहां पर सर एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट इज एन ए वी एट द एंड माइनस एन ए वी एट द बिगिनिंग। शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनिंग का, चलो तो एन एवी एट एंड कितना है? 35 है, बिगनिंग कितना है? 25 है, तो चेंज कितना हो गया? डेट इज 10 रुपीज का। नाउ परसेंटेज चेंज कितना है? परसेंटेज चेंज कितना है? तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन एन एवी एट बिगनिंग इन 200। सो वी कैन सी दैट सर परसेंटेज चेंज हो गया सर 10 रुपीज डिवाइड बाई 25 इन 200। सो कितना आया सर परसेंटेज चेंज? दैट इज आई थिंक 440%। ठीक है ना, अभी आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे फाइंड करना है सर आप से एनुअलाइज चेंज। सो एनुअलाइज चेंज कैसे मिलेगा? तो मैं बोलूंगा एनुअलाइज चेंज चेंज इन एनएवी। तो ये बेसिकली जो चेंज हुआ है 25 का 35 वो 15 महीने में हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ 15 महीने का इट इज एज गुड एज मुझे 40% मिल रहा है, तो सालाना मतलब ईयरली कितना रेट ऑफ रिटर्न हुआ? तो ईयरली रेट ऑफ रिटर्न मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर? बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, याद शायद आपको याद नहीं है तो आपको दिखा देता हूँ फटाफट। दैट इज एनुअलाइज चेंज एनएवी कैसे निकालेंगे सर? परसेंटेज चेंज इंटू 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ। सो बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा मेरा यहां पे मेरा बनेगा सर परसेंटेज चेंज इनटू 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ। कितने मंथ्स में हुआ ऐसा कंसेप्ट, मतलब चेंज कितने महीने में हम देख रहे हैं, कितने महीने के बाद का चेंज देख रहे हैं। तो बेसिकली ये हो गया 40% इनटू 12 डिवाइड बाय ये जो चेंज हुआ है 25 से 35 हो गया, तो वो कितने महीने में चेंज हुआ? दैट इज 15 मंथ्स में। सो आंसर आएगा मेरा 40 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15। सो ये अपना आंसर आया 32% पर एनम का रेट ऑफ चेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार वीडियो देखो, एकदम ध्यान से करो। और ये जो भी सम आपको करवा रहो हर एक सम समझ के, मतलब पहले कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट बेसिक समझ में आ गया आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफिंग दिया वो समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब आई मीन टू से दैट कंसेप्ट समझ में आने के बाद आप डायरेक्टली फॉर्मूलास अच्छे से समझो, एक एक सम करो, दो तीन सम करने के बाद वही दो तीन टाइप के सम्स आप दूसरे सम्स लो, जो आप बुक आपको जो भी बोला गया होगा कॉलेज से कि भाई ये सो एंड सो ऑथर का या सो एंड सो ये पब्लिकेशन का आपको बुक प्रेफर करना है, तो वो बुक से आप सम्स करो एंड देन नेक्स्ट स्टेप के सम्स पे मूव ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ 14 सम क्या दिया अपने को? श्रीपद काले इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000, मतलब ये क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। सो ऑन 14 फेब 2011, आहा कौन सा दिन पे किया है? 14 फेब पे किया है, मस्त। व्हेन एनएवी वाज 125.6 विद एन एंट्री लोड ऑफ 2.5%, एंट्री लोड दिया सर, एंट्री लोड दिया है, मतलब यहाँ पे एंट्री लोड दिया है, तो मतलब मुझे परचेज एनएवी जो भी दिया है उससे मुझे परचेज एनएवी के बेस पे एंट्री लोड का अमाउंट फाइंड करके परचेज प्राइस ऑफ वन यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? तो परचेज एनएवी प्लस एंट्री लोड पर यूनिट प्लस करना पड़ेगा, देन नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना है, ओके कर लेंगे सर। देन करंट एनएवी मतलब ओके, तो करंट एनएवी दिया है अपने को, तो करंट एनएवी के बेस पे करंट वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, मतलब सेल्स नहीं गए बेसिकली यहाँ पर, ठीक है कर लेंगे, मस्त है। सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 है, आई थिंक सो 50,000 है,
चेक करने दो मुझे एक बार, यस 50,000 है। देन परचेज एन एवी इज 125.6 एंड एंट्री लोड इज 2.5%। ओके परचेज एन एवी कितना है 125.6 एंड रेट ऑफ एंट्री लोड, तो रेट ऑफ एंट्री लोड कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, 2.5% दिया है। हाँ तो अभी हम करेंगे सर, अभी हमको करना है क्या फाइंड करना है सर, नंबर ऑफ यूनिट्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास नहीं है, तो एंट्री लोड फाइंड करते हैं। एंट्री लोड पर यूनिट कैसे मिलेगा सर, तो परचेज एनएवी का सर्टन रेट, दैट इज रेट ऑफ एंट्री लोड, जहां तक मुझे 7 नंबर का फॉर्मूला अपना वही था, सेवन नंबर का फॉर्मूला, ये 7 के बाद, सॉरी 8 वाला पॉइंट में, कितना एंट्री लोड दिया परचेज एनएवी इनटू रेट ऑफ एंट्री लोड, ये अपने को दिया हुआ है। डन, समझाइए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, ये होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, परचेस प्राइस पर यूनिट में ऐड करना पड़ेगा एंट्री लोड, तो मुझे मिलेगा परचेज एनएवी, एंड सेल्स एनएवी से माइनस करता हूँ एग्जिट लोड तो मुझेगा सेल्स प्राइस पर यूनिट। बट बेसिकली यहाँ पे सेल्स का कंसेप्ट दिया ही नहीं है, सो अभी फिलहाल के लिए हम उसको IGNORE करते हैं। IGNORE मतलब इग्नोर। चलो क्या दिया अपने, कहाँ पे परचेज एनएवी कितना है, यह है 125.6 इंटू 2.5%, कितना हो गया, सो 125.6 इंटू 2.5% कितना आया 3.14। तो परचेज प्राइस पीपी लेता हूं मैं, सर इतना अभद्र भाषा यूज मत करो, परचेज प्राइस पर यूनिट कितना आएगा, परचेज एनवी प्लस एंट्री लोड सो ये हो जाएगा 125.6 प्लस 3.14, सो बिकम्स कितना आएगा ये 128.74। ओके डन, वन सेकेंड, उसके बाद चलो सुनाओ, परचेस प्राइस पर यूनिट हमने निकाल दिए यहां पर, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो परचेस प्राइस पर यूनिट मिल गया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो इन दोनों के बेस पे थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ वो समझ में आएगा, इन दोनों के बेस पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। सो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सो अभी मिलेगा अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स, सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज ऑल्सो नोन एज परचेस प्राइस ऑफ ऑल यूनिट, एक ही बात हो गया, इज इक्वल्स टू व्हाट, परचेस प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। सो बेसिकली परचेस प्राइस पर यूनिट कितना दिया अपने को 128.74, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, सो ये कितना है, ये अपना है कितना है अपने पास 50,000। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो अपने को मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट, सो कितना आ रहा है देख लेते हम लोग यहाँ पर, सो बेसिकली 50,000 डिवाइडेड बाय 128.74 3796, ठीक है ये अपने को दिया नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा मिल गया। नेक्स्ट नाउ हमको फाइंड करना है बेसिकली करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो करंट एनएवी कितना दिया है, करंट एनएवी अपना है 140.4, सो करंट एनएवी सिंस ही कहती है गिवन क्या दिया है, करंट एनएवी कितना है 140.4, सो करंट वैल्यू
ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट सो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 140 करंट एनईवी कितना है वो इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 388.3796 इनटू कितना 140 मैंने ये जो वैल्यू अपना आया था इस वैल्यू को कैलसी पे ही रखा है देन ऑन द स्पॉट पे इनटू 140.4 लिख रहा हूँ सो बेसिकली मैंने लिखने के लिए 388.3796 लिखा है बट कैलसी पे वो वैल्यू मेरा ऑलरेडी है तो इट इज इट मीन्स दैट कि उसके बाद का जो भी वैल्यूज होंगे लाइक आगे 0.3796 का आगे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू भी इंक्लूड हो गया यहाँ पर सो 140.4 से मैंने मल्टीपल कर दिया सो वैल्यू मेरा आ रहा है 54528.50 ना कितना दे चेक कर लो आंसर 3 किधर गया 54528.51 है अपना कितना आया था 50 बेसिकली यहां पे 507 आ रहा है तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 0.51 ले लिया है चलो बोलो के डाउट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया विक्रांत इन्वेस्टेड सम मनी टू परचेस 400 यूनिट्स ऑफ टॉरस डिस्कवरी स्टॉक एट एनएवी सी बेसिकली स्टॉक नहीं आएगा ये म्यूचुअल फंड ही होगा सो एट टॉरस डिस्कवरी स्टॉक एट एनएवी कितना है 14.84 विद एंट्री लोड ऑफ 2.25% सो यहाँ पे एंट्री लोड दे दिया है पहले वाले समय भी था लेटर डिसाइडेड टू सेल द यूनिट्स व्हेन एनएवी वॉज 24.56 विद एग्जिट लोड मतलब यहाँ पे अपने को एंट्री लोड भी दिया है एंड एग्जिट लोड भी दे दिया है ओके सो इन्वेस्टेड किया है उसने सब मनी अब कितना मनी इन्वेस्ट किया पता नहीं तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड करना पड़ेगा सिंस नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए अपने को और एनएवी दिया मतलब ये कौन सा एनएवी है सर ये अपना एनएवी है परचेज एनएवी कौन सा ये परचेज एनएवी और ये अपना कौन सा एनएवी हो जाएगा ये अपना हो जाएगा सेल्स एनएवी एक मिनट ठीक है सेल्स एनएवी हो जाएगा ये सो क्या करेंगे परचेस एनएवी के बेस पे परचेस प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा एंट्री लोड ऐड करने के बाद देन जो भी परचेस प्राइस पर यूनिट मिलेगा इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करने से टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मिलेगा बस उसी तरह टोटल अमाउंट रिसीव भी फाइंड करना पड़ेगा इट इज सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट बट सेल्स प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए सेल्स एनएवी जो कि है मेरे पास और एग्जिट लोड माइनस करना पड़ेगा तो आपको आई थिंक जो मैंने अभी समझाया वो शायद अभी एकदम 100% क्लियर नहीं हुआ है समझ पे आएंगे हम समझेंगे बट इन शॉर्ट मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड करना है टोटल अमाउंट रिसीव फाइंड करना है ये दो चीज मिल गया मतलब आपको क्या मिल जाएगा गेन मिल जाएगा समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं सो नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आई थिंक 15 यस सो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है और क्या दिया परचेज देने भी है 14.84 सो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे मैं लिख दू थोड़ा सा रेट ऑफ एंट्री लोड कितना दे दिया है रेट ऑफ एंट्री लोड है कितना है 2.25% यस 2.25% सो मैं ऐसा बोल दूं यहां पर कि सर एंट्री लोड फाइंड करना है पहले एंट्री लोड फाइंड करना है एंट्री लोड पर यूनिट सो ये अमाउंट में कितना आएगा वी कैन से दैट परचेस एनएवी इनटू रेट ऑफ एंट्री लोड सो परचेस एनएवी कितना है 14.84 इनटू 2.25% सो कितना आ रहा है तो 14.84 इनटू 2.25% सो कितना आ गई है 0.3339 ठीक है देन परचेज प्राइस पर यूनिट कितना आ रहा है
शॉर्ट फॉर्म लिखते तो मैं थोड़ा सा, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा बार बार फुल फॉर्म लिखते रहूँगा तो। परचेस प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, परचेज एनएवी, परचेज एनएवी, देन प्लस एंट्री लोड। सो कितना आ रहा है 14.84 प्लस 0.3339 इक्वल टू कितना अमाउंट आ गया, फिफ्टीन पॉइंट वन सेवन थ्री नाइन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाइन मेरा एकदम मस्त राइटिंग है मेरा तो वैसे भी पहले से। चलो देन परचेस प्राइस यूनिट मिल गया मेरे को, अब क्या करेंगे सर? अरे सर अमाउंट इन्वेस्टेड तो फाइंड करो, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना आ गया, अमाउंट इन्वेस्टेड मेरा हो जाएगा सर परचेस प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। यस, सो कितना है 15.1739 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, तो 400 है। सो इनटू 400 कर लिया, कितना वैल्यू आया 6069.56। डन, चलो अमाउंट इन्वेस्टेड मिल गया मेरे को। सो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ओके ये मुझे मिल गया, देन लेटर ही डिसाइड टू सील द यूनिट्स व्हेन एनएवी वाज 24.56, मतलब ये सेल्स एनएवी दे दिया, एग्जिट लोड कितना है 0.5%, तो यहाँ पे एग्जिट लोड माइनस होगा सेल्स एनएवी में से, तो मुझे मिलेगा सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो बेसिकली लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंसी कहती है कि सेल्स एनएवी कितना है, कितना है 24.56, ओके देन उसके बाद एग्जिट लोड कितना है, तो मैं बोलूंगा अच्छा और एक बात, सिंसी ये भी कहती है कि रेट ऑफ एग्जिट लोड दे दिया है सर, कितना दिया है 0.5% दे दिया है, तो एग्जिट लोड कितना हो जाएगा, सो एग्जिट लोड का अमाउंट हो जाएगा सेल्स एनएवी इनटू रेट ऑफ एग्जिट लोड। तो सेल्स एनवी कितना है 24.56 इनटू रेट ऑफ एग्जिट लोड कितना है, तो 0.5%, सो इट बिकम्स 24.56 इनटू 0.5% बिकम्स 0.1228। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज कर रहा हूं यहां पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आएगा इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स एनएवी माइनस एग्जिट लोड कितना हो गया, सेल्स एनएवी अपना है 24.56 माइनस एग्जिट लोड कितना है, एग्जिट लोड है सर 0.1228, सो इट बिकम्स 24.4372। सो टोटल अमाउंट रिसीव कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट रिसीव मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट 24.4372 इनटू कितना है 400 है इनटू 400 9774.88। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा हो गया टोटल अमाउंट रिसीव्ड। सो नाउ ये भी मुझे मिल गया, फाइंड करना है गेन ओनली, तो चलो गेन फाइंड कर लेते हम लोग। तो गेन कितना आएगा यहाँ पे, तो गेन आ जाएगा सर अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। सो अमाउंट रिसीव कितना है, सो अमाउंट रिसीव्ड है सर 9774.88 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 6069.56। सो कितना आ गया अमाउंट,
3705.72. चलो चेक कर लेते हैं से कितना है, अरे 0.32 है, 72 क्या लिखा मैंने, इस मेरा माइनस करने के बाद भी 32 आ रहा है, 0.3, अरे ऐसा कैसा, चल कितना है 3705.32, डन। सो अपना यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। सो आप देखो जरा कि आपको सी आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने क्या किया, एकदम बेसिक सम से धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 सम, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या दिया यहां पे, यहां पे दिए वरुण इन्वेस्टेड रुपीज कितना 20,000। सो बेसिकली ये मेरा क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड ऑन 8/2011 व्हेन इट्स एनएवी वाज, मतलब ये मेरा परचेस करने के टाइम का एनएवी है, तो बेसिकली कौन सा एनएवी हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परचेज एनएवी। क्या हो जाएगा सर, परचेज एनएवी। ही रिसीव्ड अ डिविडेंड एट 5% पर, सॉरी एट 5 पर यूनिट, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये 5% नहीं है, 5 रुपीज है। क्या ये मेरा 5 रुपीज है पर यूनिट ऑन 21/7/2011। He redeemed all the units on 15/11/2011 with total gain of 6682.588. Find NAV at which he redeemed all the units if entry load was 2.25% and exit load was 1%. Done. So basically यहाँ पे total amount invested दे दिया और purchase price, purchase NAV कितना दिया 25.8 दिया है, एंट्री लोड अपने को दे दिया है, एग्जिट लोड भी दे दिया है, डिविडेंड भी दिया है एंड अपने को गेन भी दिया है। तो बेसिकली जो गेन है, गेन उसमें क्या होगा सर, उसमें अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड होगा प्लस गेन भी होगा, ठीक है, प्लस डिविडेंड भी होगा। सो डिविडेंड तो तब मुझे मिलेगा जब मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा कैसे, सिंपल है, परचेस एनएवी है, एंट्री लोड भी है। सो एंट्री लोड का जो रेट दिया है उससे हम एंट्री लोड का अमाउंट फाइंड कर लेंगे, उस अमाउंट को परचेज एनएवी में ऐड करेंगे तो परचेज प्राइस पर यूनिट मिलेगा। तो जो परचेज प्राइस पर यूनिट मिल गया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मिल गया, तो उस बेसिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को मिल जाएगा। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा उसके बाद तुरंत हम फाइंड कर लेंगे डिविडेंड पर, सॉरी डिविडेंड पर यूनिट अपने को दे दिया 5 रुपीज, तो टोटल डिविडेंड रिसीट फाइंड कर लेंगे कि 5 रुपीज एक यूनिट का है इंटू सो एंड सो नंबर ऑफ यूनिट जो हमको मिल गया रहेगा। सो डिविडेंड मिल जाएगा टोटल। उसके बाद हम करेंगे सर कि जो भी अमाउंट लाइक हमने एक सेकंड, अपने को यहाँ पे और क्या नहीं दिया है, ये सेल्स एनएवी नहीं दिया, ओके सेल्स एनएवी फाइंड करना है उसके बाद। तो एक काम करते, चलो पहले नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करते एंड टोटल डिविडेंड रिसीव फाइंड करते, यहां तक पहले करते उसके बाद का स्टेप हम बाद में देखेंगे। सो नाउ, सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज रुपीज कितना दिया है 20,000 दे दिया है। उसके बाद सर हमको दिया है परचेज एनएवी कितना है, सो परचेज एनएवी दे दिया है 25 पॉइंट कितना दिया है 25.8 दे दिया। उसके बाद सर रेट ऑफ एंट्री लोड दे दिया, रेट ऑफ एंट्री लोड कितना दिया है सर, क्या लिख रहे हो, एंट्री लोड नहीं है सर, एंट्री लोड एक कुछ भी लिखते हो सर आप भी सर, ओ सर एंट्री लोड कितना है, कितना है 2.25%, यस। सो ऐसा करूंगा यहां पे परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, तो बेसिकली परचेज एनएवी, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं बिकॉज टाइम थोड़ा लेंदी इसीलिए, तो परचेज NAV प्लस एंट्री लोड। परचेज NAV कितना है सर, तो 25.8 है प्लस एंट्री लोड का सर फॉर्मूला क्या है, एंट्री लोड का फॉर्मूला है परचेज NAV इंटू रेट ऑफ एंट्री लोड, सो बिकम्स 25.8 इंटू 2.25%। सो कितना आ रही है 25.8 इंटू 2.25%, कितना है ये हो जाएगा प्लस 0.5805, ये है अपना 25.8। सो बेसिकली आंसर मेरा बन जाएगा कुछ 2.63805 ना। उसके बाद क्या दिया, परचेस प्राइस पर यूनिट दे दिया मुझे,
ओके, परचेज प्राइस पर यूनिट दे दिया मेरे को, परचेज प्राइस पर यूनिट के बेस पे हम फाइंड करेंगे सर टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया ना मेरे को, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, तो परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये अपने को दिया है कितना दिया है सर, 20,000, 20,000 अपने को दिया, 20,000 ये कितना है, हाय ला मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे शे। अरे ठीक है, अरे अच्छे से लिख ही देता हूँ, आपको समझेगा नहीं वरना 26 पॉइंट आएगा बैंक। आप बोलोगे सर आपको कुछ आता ही नहीं है शे, 26.3805 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, सो नंबर ऑफ यूनिट मेरे को मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना है यहाँ पर, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 26.3805, ओके डन, सो ये आएगा 758.1357, ये मेरा हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ उसके बाद अपने को डिविडेंड भी दे रखा है, सो कितना डिविडेंड दे रखा है सर, सिंजी कहती है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड, हाँ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट ₹5 पर यूनिट, तुमको समझी कि तुमको नहीं समझी, चलो सो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल्स टू क्या करेंगे सर, तो डिविडेंड पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, इनटू नंबर ऑफ यूनिट, सो डिविडेंड पर यूनिट कितना है, ₹5 है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है सर, 758.1357, ठीक है, सो कितना आ रही है, ₹3790 सॉरी 3790.678 डन। उसके बाद ना अपने को पूछा है सर आपको एनएवी फाइंड करना है जब उसको रिडीम किया, सारे यूनिट्स भी सेल कर दिए उस टाइम का एनएवी फाइंड करना है, तो मैं काम करता हूं, लेट अस अज्यूम, लेट सेल्स एनएवी बी रुपीस एक्स, ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा यहां पर सर, अगर सेल्स एनएवी मैंने ₹X अज्यूम कर दिया, तो बेसिकली यहां पर एक और पार्ट अपने को दे रखा है गिवन में, आपको आई होप आपको टोटल डिविडेंड समझ में आ गया, आपको नंबर ऑफ यूनिट समझ में आ गया, हमको सेल्स एनएवी फाइंड करना है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, बट एक ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों कर रहे हैं हम लोग बाद में समझ में आएगा, पहले क्या कर रहे हैं वो समझ लो, क्यों कर रहे हैं बाद में समझाऊंगा वापस से। नाउ सेल्स एनएवी कितना अज्यूम किया हम लोग ने, ₹X अज्यूम कर लिया, सिंस एंट्री लोड कितना है, रेट सॉरी रेट ऑफ एग्जिट लोड कितना है, रेट ऑफ एग्जिट लोड है सर अपना 1%, 1%, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ रहा है सर, तो यहां पे आएगा सेल्स एनएवी माइनस एग्जिट लोड, तो सिंपल लॉजिक है सर, हमको सबको पता है दैट इज एग्जिट लोड निकलता है सेल्स एनएवी के ऊपर, तो सेल्स एनएवी कितना है एक्स है, एग्जिट लोड कितना है 1% है, सो आंसर कितना आ जाएगा सर, मैं बोलूंगा सर ये हो जाएगा 0.99x, समझ में आया ना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा सर, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू सेल्स एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, सो बेसिकली सेल्स एनएवी कितना है 0.99x इंटू कितना नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट है सर 758.1357,
1357 758 758 758 0.1357. चलो कितना आया, ये तुम्हारा एक्स है, तुम लोग ऐसा मल्टीप्लाई मत समझ देना इसको, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये ध्यान से समझना चीज क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर. सो ये कितना हो जाएगा इनटू पॉइंट, मैं 99 ले लेता हूँ, तो ये बन गया 3752.7719 इनटू एक्स, ठीक है. नाउ अपने को क्या दे रखा है, और गिवन पार्ट में और क्या दे रखा है, सर टोटल गेन दे दिया है. सो टोटल गेन कितना है, सिंसी कहती है टोटल गेन है अपने पास रुपीज सिक्स, भूल गया मैं, 6682.588, ठीक है. नाउ टोटल गेन इज इक्वल्स टू व्हाट, तो टोटल गेन इज इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस टोटल डिविडेंड रिसीव्ड. सो गेन कितना है, 6682.588. टोटल अमाउंट रिसीव कितना है, अमाउंट रिसीव्ड है सर 3752.7719 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इज आई थिंक 20,000 है, जहां तक मुझे आइडिया है, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 20,000. सो कितना आइए माइनस 20,000 प्लस टोटल डिविडेंड रिसीव कितना है, समथिंग कितना था, 3,000, यस 3790.678 3790.678. सो अच्छा और एक बात, यहाँ पर ना मैंने एक मिस्टेक कर दी, 3752.7719 है ना, एक सेकेंड, 3752.7719 इंटू एक्स है, ठीक है. सो ये जो वैल्यू है यहाँ पर आके, ये जो वैल्यू है यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, जो भी नेट वैल्यू बचेगा बाद में ये वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है आपको डिवीजन में लेकर जाना है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा. सो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 6682.588 प्लस 20,000 प्लस 20,000, देन ये यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 3790.678. चलो ये नेगेटिव से यहाँ पे आया, पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और अगर ये यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कर दिया, देन ये पूरा पार्ट निकल गया. अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो वैल्यू है जो बचेगा एक्स के साथ में उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय डायरेक्टली 3752.7719. सो आंसर बिकम्स कितना, 6.10. तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6.10. सेल्स है ना भी, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक किया फिर मैंने, क्या मिस्टेक किया, ये भी बराबर है, ये चेक कर लेते एक बार, 758.1357 इनटू 0.99. अरे यार बराबर ना, मैंने लगता है डिवीड कर दिया यहाँ पर शायद, शह यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया अपना, अलग पेन से लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये अपना मिस्टेक हुआ था. सो कितना है, सेवन, ये आपको देखेगा नहीं, वन सेकेंड, 7501.5543. पहले मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, बट इस गड़बड़ समझ में नहीं आया मेरे को. सो कितना है यहाँ पे, 7501.5543, ये फोर है मेरा. सो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है देखता भी, चलो, सो 6682.588 प्लस 20,000 माइनस 3790.678 ओके,
डन, देन डिवाइड बाय डायरेक्टली 750.5543, कितना वैल्यू आया 30.50, ये मेरा है, ये बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरा है सेल्स एनएवी। चलो नेक्स्ट सम 17। अच्छा 17 सम है ना, सेम टू सेम इसके जैसे ही, देखो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे दिया है, एनएवी दिया मतलब परचेज एनएवी दे दिया है, डिविडेंड कंसेप्ट दे दिया, फिर उसने बोला कि टोटल गेन दे दिया है, आपको फाइंड करना है सेल्स एनएवी, एंट्री एंड एग्जिट लोड दे दिया है, तो ये सम सेम टू सेम 16 के जैसा ही है। सो ये आपका, आपको खुद को करना है डी आई वाई, डू इट योर सेल्फ। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, इट इज 18 सम, मिस्टर बट, मिस्टर बट इन्वेस्टेड। अभी ये जो कंसेप्ट हम लोग करने वाले ना, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं दैट इज 18 सम में, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी समझा दूं उसका करना क्या है, उसके बाद हम सम्स पे जाएंगे। तो इस सम में अपने को क्या करना है कि जो कंसेप्ट अभी लेने वाला हूँ दैट इज 18 सम वाला, उसमें एस आई पी कंसेप्ट है। तो एस आई पी में होता क्या है कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे एफ डी में नहीं जाना, बिकॉज एफ डी जो है ना, नो डाउट बहुत सिक्योर्ड होता है एफडी, बट एफडी में सर रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम मिलता है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। बट जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैंने इन्वेस्ट करने के बाद मैंने देखा कि यार मार्केट, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे शेयर मार्केट एकदम हाई पीक पे होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एंड इन सर्टन पीरियड के बाद जब शेयर मार्केट डाउन हो जाता है और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मैं निकाल दूंगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे डेफिनेटली भले आपका म्यूचुअल फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपका एक रिसेशन वाला पीरियड होता है या फिर एकदम मार्केट बहुत डाउन होता है, उस टाइम पे अगर आपका म्यूचुअल फंड आप निकालना चाहोगे, सेल करने जाओगे, तो पॉसिबिलिटी आपको लॉस सफर करना पड़े। तो उस केस में क्या होता है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पे एकदम हाई पे, एकदम पीक पे होता है शेयर मार्केट, एंड जब आपने विड्रॉ किया पूरा अमाउंट म्यूचुअल फंड में से, उस टाइम पे शेयर मार्केट एकदम लो पे होता है, मतलब एकदम बेस पे होता है, एकदम डाउन पे होता है। सो इन डैट केस हम करें क्या सर, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप एसआईपी करो। एसआईपी में क्या होता है कि आपको एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है। सो आपका मार्केट हाइक पे रहे या मार्केट डाउन पे रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने एवरी टाइम एवरी साइकिल में, चाहे वो हाइक पे हो मतलब पीक पे हो, या एकदम लोएस्ट पे हो, चाहे वो बूम पे हो या फिर चाहे वो डूम पे हो, तो बेसिकली आपने हर एक साइकिल में, हर एक पीरियड में आपने एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट किया है एवरी मंथ। सो अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हो, मतलब उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। सो अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हो, इट मींस आपका एवरी मंथ का वो अमाउंट से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा या फिर शेयर्स होंगे। अगर मैं जस्ट एक प्योरली बात करूं कि ऐसा कोई फंड है जो प्योरली इन्वेस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, तो प्योरली इन्वेस्ट कर रहे शेयर मार्केट में। सो अगर आपने एवरी मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो एवरी मंथ का वो लोग सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लेंगे, तो चाहे वो हाइक पे रहे तो हाई रेट पे आपको खरीदना का परचेस होगा, और अगर लो पे रहे तो लो पे आप परचेस करोगे, मतलब अपने हाई पे लो पे सब पे आपने परचेस किया है। सो एट दी एंड आपका कभी भी आप बेचने जाओगे तो आपको लॉस ज्यादा कुछ सफर नहीं करना पड़ेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो, या फिर शॉर्ट टर्म में निकालते हो पैसा तो, या फिर अपना एकदम ऐसा पीरियड पे विड्रॉ किया है जहां पे मार्केट एकदम डाउन पे है, तो वो भी आपको ज्यादा लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एवरी साइकिल, हर साइकिल में आपने परचेस किया है, चाहे वो मार्केट हाइक पे हो चाहे मार्केट लो पे हो। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली जब भी आप इन्वेस्ट करने जाओ तो एकदम लॉन्ग टर्म होराइजन रखना, से फॉर एग्जाम्पल 7 years, 8 years, 10 years समथिंग लाइक, मिनिमम 5 to 10 years रखना, अगर और ज्यादा रख सकते हो तो बेटर है, उतना बड़ा होराइजन रख के फिर आप इन्वेस्ट करना, तो आपने हर साइकिल में इन्वेस्ट किया रहेगा, सो आपको कभी भी लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा। एकदम अच्छा, एकदम प्रॉपरली किसी का एडवाइस लेकर के आप कौन सा फंड परचेस करना है आप सिलेक्ट करना, अपने कोई जो फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। नाउ अभी मैं सिर्फ सम पॉइंट पे जा रहा हूँ, दैट इज मिस्टर बट इन्वेस्टेड कितना 5000 ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर 5 months। कितने मंथ्स के लिए? 5 months। तो फर्स्ट मंथ में 5000, सेकंड मंथ में 5000, थर्ड मंथ 5000, ऐसे 5 महीने तक उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, दैट इज 25,000 ऑफ अ एसआईपी, इन एसआईपी ऑफ अ म्यूचुअल फंड विद एनएवी फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का एंड फिफ्थ मंथ का दे दिया है। देयर वाज नो एंट्री लोड चार्ज, मतलब आपको एंट्री लोड चार्ज नहीं किया है,
फाइंड द एवरेज प्राइस मिस्टर बट पेड यूजिंग द रूपी एवरेजिंग मेथड. अब रूपी एवरेजिंग मेथड क्या होता है, बेसिकली आपने हर एक रेट पे, चाहे 48 पे भी आपने परचेस किया, आपने 52 पे परचेस किया, आपने 41 पे परचेस किया, आपने हर एक डिफरेंट डिफरेंट रेट पे परचेस किया है, आपको एवरेज प्राइस फाइंड करना है. कैसे करना है आगे बताता हूं मैं. सो आफ्टर देन आफ्टर 6 मंथ ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट विद एनएवी वाज 51.64 विद कंटिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस. मतलब यहां पे ये बेसिकली आपका कुछ नहीं है, ये जो कंटिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस जो लिखा है, दिस इज नथिंग बट द व्हाट एग्जिट लोड. ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका है, ये आपका है एग्जिट लोड. क्या है आपका ये एग्जिट लोड. डन. फाइंड इस नेट गेन. क्या फाइंड करना है मुझे, नेट गेन फाइंड करना है. तो सिंपल लॉजिक है सर, जब मैंने परचेस किया तब कोई एंट्री लोड नहीं था, जब मैंने सेल किया तब जो मुझे क्या लगा, एग्जिट लोड लगा. तो क्या करूंगा मैं यहां पर, देखो यहां पर ना ये वाला हम लोगों ने आंसर भी यहां पर दे दिया है, तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूं. नौसी, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, हर एक मंथ का कितना इन्वेस्ट किया, 5000 5000 5000 5000. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 25000. देन हर एक मंथ का एनएवी कितना था, ये निकाल दिया हम लोग ने यहां से ही, 48.5, 52.83, 41.28, 35.44 and 32.65. सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया 5000 और मुझे एक यूनिट का प्राइस पड़ रहा है 48.15, तो बेसिकली मैंने कितना नंबर ऑफ यूनिट परचेस किया होगा, तो मैं बोलूंगा इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, आपको मालूम है कि अगर अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू परचेज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. सो अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, परचेज एनएवी डिवाइड हो जाएगा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय परचेज एनएवी करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा. सो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया, फर्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का मिला, थर्ड मंथ का मिला, फोर्थ मंथ का मिला, फिफ्थ मंथ का मिला. तो बेसिकली टोटल यूनिट्स कितना मिला, टोटल यूनिट्स मिल गए सर मुझे, टोटल यूनिट्स मेरे को मिल गए 61.82. नाउ सिंपल है, अभी ये लोगों ने लिखा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड. एकदम सिंपल लॉजिकल सोचो यार, कि अगर मैंने 25000 इन्वेस्ट किया और मेरे को मिल रहा है 613.82 यूनिट्स, तो एक यूनिट का प्राइस कितना हुआ ऑन एन एवरेज, डिवाइड कर दो. सो एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको ये एवरेज प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा. ठीक है, अब आपने जो सेल किया है, वो सेल आपने किया था 51.64 पे, सो मैं बोलूंगा सेल्स एनएवी 51.64 है, माइनस करना पड़ेगा एग्जिट लोड. तो एग्जिट लोड माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, के इतने रेट पे मैंने उसको एक यूनिट को बेच दिया, एक यूनिट पे, एक यूनिट का इतना अमाउंट लेकर के मैंने बेच दिया. सो देखो 51.64 माइनस किया एग्जिट लोड, सो इन्होंने इस वे से किया है, तो ये एग्जिट लोड का अमाउंट है, ये एग्जिट लोड का फाइंड करने का तरीका, दैट इज एग्जिट लोड इनटू रेट ऑफ एग्जिट लोड, इसको माइनस किया है सेल्स एनएवी में से, तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट, दैट इज 50.48. दैट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करने का, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा. तो नेट गेन कैसे मिलेगा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड का डिफरेंस लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेट गेन मिल जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. सो एक और बात, ये एसआईपी के बेस पे बहुत बार सम आता है, यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आता है, एज वेल एज कॉलेज में भी आता है. अगर कोई जो हमारा वीडियो देख रहा है, जो ये वीडियोस देख रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी से अपियर कर रहे हैं, सो मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप लास्ट सर्टन ईयर्स के, मतलब सर्टन मतलब मैं एडवाइस करूंगा 3 to 5 years, मिनिमम 3 maximum 5 years के आप पेपर निकालो. लाइक ये आपको बहुत शायद ये पेपर आई थिंक मेरे हिसाब से ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के साइड पे पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, तो पास्ट पेपर्स जो भी आए उसको एक बार प्रेफर करना, बिकॉज पास्ट पेपर से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के वो लोग क्वेश्चन देते हैं. एंड जितना आप पेपर सॉल्व करोगे उससे अपने आप को बेनिफिट मिलेगा कि भाई मैं पेपर सॉल्व अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. सेम जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं एडवाइस करूंगा, लास्ट सर्टन ईयर्स के, 3 years के, 4 years के पेपर अगर को मिल जाते हैं लाइब्रेरी में से, कि अगर आपके पास पेपर वहाँ पर है तो वाइस आप सॉल्व करो या यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करो, आपको ऑनलाइन से मिल जाएंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट से भी आपको मिल जाएंगे पेपर. नाउ अभी ये जो सेम क्वेश्चन 18th वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे एंट्री सॉरी एग्जिट लोड तो है ही बट साथ साथ एंट्री लोड भी होता है. सो इन दिस केस मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपका एनएवी है,
इसके बाद आपको फाइंड करना चाहिए दैट इज परचेज प्राइस पर यूनिट. अगर एंट्री लोड भी है तो क्या परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट. एक सेकेंड, मैं इधर थोड़ा अच्छी तरह से लिखी देता हूं मैं. परचेज प्राइस पर यूनिट ये आपको निकालना चाहिए. ये निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका परचेज प्राइस, सॉरी ये आपका निकलेगा परचेज एनएवी. थोड़ा सा हाईलाइट कर देता ऊपर वाला सा, एक सेकेंड. ये निकलता है परचेज एनएवी प्लस एंट्री लोड से, तो परचेज प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा हर एक का. जैसे परचेज प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा डैट ये वैल्यू को, फिर परचेज प्राइस पर यूनिट को अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया एवरी मंथ वो 5000 डिवाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट करने का, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिल जाएगा. बिकॉज सी कैसा होता है कि परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, परचेज एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट, सॉरी परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, परचेज एनएवी प्लस एंट्री लोड. तो इससे आपको परचेज प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा. देन अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू व्हाट, परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट. सो परचेज प्राइस पर यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा अमाउंट इन्वेस्टेड के ऊपर सेम, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा. सिंस यहां पर अपने को एंट्री लोड नहीं है इसलिए हमने परचेज प्राइस पर यूनिट अलग से निकालना नहीं, बट एंट्री लोड होता तो परचेज प्राइस पर यूनिट निकालना पड़ता, देन परचेज प्राइस पर यूनिट एंड अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों के बेस पर क्या मिल जाता, नंबर ऑफ यूनिट्स मिलता, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सो आई होप आपको पूरा समझ में आया रहेगा. जितना एक्सटेंड हो सके उतना मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसा लगता है कि लाइक मोस्ट पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए. मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस करोगे तो आप पास ही हो जाओगे. इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे. मतलब इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स. नाउ ये आपका आई थिंक ये चैप्टर करने के बाद इतना जितना भी करा हुआ है वो पूरा पार्ट करने के बाद आपको अदर क्वेश्चन ट्राई करिए, एंड आई होप आपको सबको समझ में आया, एंड जितना हो सके उतना मैंने बेस्ट अपना एफर्ट दिया है आपको समझाने के लिए. देन ओके, देन आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए रहेंगे. गुड लक.